सब्सक्राइब करें बालियन किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। कढ़ाई पनीर तो सभी को बहुत पसंद आता है और हम अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ ऑर्डर करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में ही बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ाई पनीर कैसे बनाएं। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें पहले कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक पैन को रख लिया है गैस पे, गैस की फ्लेम लो कर दी है। तो और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, खड़ा धनिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून। और ये 2 मैंने लाल मिर्च डाल दी है और 1 तेज़पत्ता। यहाँ पे ये जो मेरी लाल मिर्च है ये बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने 2 ही डाली है। अगर आपके पास कम तीखी वाली है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 की जगह 4 भी आप डाल सकते हैं। तो इनको भून लेंगे बहुत ही हल्की फ्लेम पे, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके हम इनको भून लेंगे। हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इनको भूनना है। और कोई भी मसाला अगर हम भूनते हैं ना तो उसमें से जो एक अलग ही फ्लेवर उभर के आता है, तो इसलिए भूनने से मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है और भी ज़्यादा वो निखर जाता है उसका फ्लेवर। तो इसको हल्की सी आंच पे हम भून लेंगे, बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगी इसको भूनने में। और इसमें आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगा फिर जब इसे को हम सब्जी में डालेंगे। और ये देखिए मसाला जो है हमारा भुन गया है। इसमें मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी और गैस की फ्लेम इस समय ऑफ़ कर दिए। कसूरी मेथी तो जो है बिल्कुल ऐसे ही गर्म है ये पैन, इसी में भुन जाएगी। और मसाला ठंडा होने रख दिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे कढ़ाई को गैस पे रख लिया है, उसमें तेल डाल दिया है थोड़ा सा। और इसमें ये मैंने 1 अदरक लहसुन और 1 प्याज और 2 टमाटर ये मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं तो इसमें डाल देंगे। पहले हम लहसुन डाल देंगे और इनको बहुत भूनना नहीं है, बस हमें इनको ऐसे ही मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देंगे। और कढ़ाई पनीर में जो रेशो रहता है टमाटर और प्याज का, तो ये रहता है जितना हमें प्याज लेना है उसका डबल हमें टमाटर लेना है, यानी 1 प्याज तो 2 टमाटर लेने हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जो है जल्दी से पक जाए। नमक डालने से बहुत जल्दी पक जाते हैं टमाटर और प्याज। और इनको ढक के रख देंगे तब गैस की फ्लेम लो कर देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और जब तक ये हमारा मसाला भी जो है ठंडा हो गया, इसको मैं पीस लूँगी। और ये देखिए हमारे प्याज टमाटर जो हैं अच्छी तरह से पक गए हैं। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा जो तेल डाला था उसी से और स्टीम से ये पक गए हैं। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम जो है ये कढ़ाई पनीर में डालने के लिए प्याज और शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है, पनीर ले लिया है और इनको तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो पैन में तेल डाल लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे और जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। प्याज शिमला मिर्च दोनों साथ ही हम फ्राई कर लेंगे, पनीर को अलग से करेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमें बस इतना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इनको बस जलाना भी नहीं है, बस इतना हो जाए।
इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम इसी में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को जो है अलट पलट कर इस तरह से दोनों तरफ से हम इस तरह से सेक लेंगे। और ये देखिए पनीर भी जो है हमारा सिक गया है, इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और अब ये हमारा जो हमने प्याज टमाटर जो रखे हुए थे वो भी हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इनको पीस लेंगे। और ये देखिए मसाला भी मैंने पीस लिया है, और इसी जार में मैंने मसाला पीसा था तो इसी में ये पीस लेती हूँ मैं अपने प्याज टमाटर मसाला जो है ये पीस लेते हैं। और पानी इसमें नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही पीस लेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हमें फाइन नहीं करना है, बस पीसना है। और ये देखिए ये हमने जो है मसाला पीस लिया है, और ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है मैंने, बस ऐसे ही इसको दो तीन बार इसको मिक्सी को चला दिया और बस ये पीस गया, क्योंकि पका हुआ तो था ही। और ये मसाला भी रेडी हो गया है, तो अब हम बनाने चलते हैं अपना कढ़ाई पनीर। तो जिस पैन में मैंने सब्जियों को फ्राई किया था, पनीर को फ्राई किया था, तो उसी में ही मैंने कुछ तो उसमें तेल बचा हुआ था थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें हींग डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हाफ टी स्पून, और ये मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है, तीखी नहीं होती बिल्कुल भी ये, और बस कलर अच्छा आता है, इसको डालना अच्छा रहता है, मतलब अच्छी इसकी ग्रेवी भी अच्छी लगेगी इसे अगर डालेंगे, नहीं तो वो येलो येलो ही रहेगी। तो इसको अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था। ये प्याज टमाटर जो हमने पीस के रखे हुए थे ये डाल दिए हैं मैंने, उसको मिक्स कर लेंगे एक बार तेल में। और इसमें हम कोई और एक्स्ट्रा मसाला इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, बस जो हमने बनाया है वही इसमें डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें डाला है, क्योंकि और कोई मसाला इसमें नहीं डाल रहे हैं, तो 2 चम्मच तो डाल ही देंगे, ज़्यादा नहीं होगा 2 चम्मच। और थोड़ा सा जो है हम इसमें पानी डाल देंगे, जार को ही धो के मैं डाल देती हूँ इसको, क्योंकि नीचे ये जले भी ना, हमारी जो ग्रेवी अब बनेगी वो कढ़ाई पैन में ना जले, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। और इसको मैं जो है गाइस सेमी ड्राई बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ये ग्रेवी वाला नहीं बनाने वाली हूँ। और कढ़ाई पनीर में जो है क्रीम या मलाई नहीं डलती है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा हम क्रीम या मलाई नहीं डालेंगे। तो इसको ढक के पका देंगे 1 से 2 मिनट बस इसको पका लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं पकाना है। और 2 मिनट बाद ये देखिए हमारे जो मसाला है बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो शिमला मिर्च प्याज और पनीर है जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। और ये डाल के जो है मिक्स कर लेंगे,
सब्जियां और पनीर को हम जो है मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें फिर भी आपका मन करे तो इसमें आप क्रीम या मलाई डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ी क्रीमी सी ग्रेवी तो इसमें आप डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब, और क्रीम है तो क्रीम भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसको एक बार फिर से 1-2 मिनट ढक के इसी तरह से लो फ्लेम पर, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि पनीर और सब्जियों में भी मसाले का फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए हमारा जो कढ़ाई पनीर है बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, और उसकी जो खुशबू है ना गैस बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, एक छोटी सी कढ़ाई में इसको सर्व करूँगी। और अब हम कढ़ाई पनीर को जो है सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो वहाँ ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का लग रहा है ना, और खाने में भी इसका वही टेस्ट है, बल्कि मैं तो कहूँगी वहाँ से भी अच्छा इसका टेस्ट आएगा अगर आप अपने घर पर बनाएंगे अपने हाथों से। और गाइज़ एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है खासकर। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है दिखने से ही, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें गाइज़, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगी ये वीडियो, कैसा बना आपका कढ़ाई पनीर।